मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत में नक्सली या माओवादी एक बहुत ही बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आखिर ये आया कहाँ से? एक बहुत ही फेमस चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर हुए, उनका नाम था माओ जेडोंग। उन्हीं से प्रभावित होकर यह मूवमेंट भारत आया। भारत में इसकी सबसे पहली घटना एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में शुरू हुई और इसलिए उन्हें नक्सली भी कहा जाता है। आखिर वह चाहते क्या हैं? इतने सालों बाद भी यह समस्या आज भी क्यों कायम है? और अगर वो इतने गरीब हैं तो आखिर उनके पास इतने महंगे एक्सप्लोजिव्स और हथियार खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? क्या चाइना उनकी सप्लाई करता है? ये पूरी जानकारी देखिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। कहीं CRPF जवान मारे जाते हैं तो कहीं पर नेता मारे जाते हैं और आए दिन कहीं ना कहीं नक्सली हमला सुनने को मिलता है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन नक्सलियों का एजेंडा क्या है। अब इन पूरे शुरुआत को समझने के लिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें टाइम ट्रेवल करके थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इन सब की शुरुआत ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य वेस्ट बंगाल में स्थापित किया। उस समय उन्होंने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम स्थापित किया, जिसे पॉपुलरली ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। ज़मींदारों के पास बहुत सारे ज़मीन होते थे जिनका वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो खाली पीली बैठे थे, जो बेरोज़गार थे। तो इन सब से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसा नियम लागू किया कि वो लेबर्स या फार्मर्स उस ज़मीन पे अपना मेहनत देंगे और उसमें कल्टीवेट करेंगे, कुछ फार्म प्रोड्यूस करेंगे, और बदले में वो ज़मींदार उस रिवेन्यू का छोटा सा हिस्सा उस लेबर से शेयर करेंगे। लेकिन उनके मेहनत के बदले वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता था। ज़मींदार पूरा कमाई खा जाते थे, लेबर लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, साथ ही साथ उनके परिवार वालों, उनके औरतों पर भी अत्याचार होते थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद इस समस्या से निपटने के लिए 2 आर्टिकल्स बनाए गए, 5th शेड्यूल और 9th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में कहा गया कि जितने भी ट्राइबल एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज हैं वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तहत गवर्न होंगे, और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट और ट्राइबल्स लोगों के साथ मिलकर गवर्नर के अंडर में बनेगा। ये सभी स्टेट्स को फॉलो करना था, पर बदकिस्मती से किसी भी स्टेट ने इसका फॉलो नहीं किया। 9th शेड्यूल में कहा गया कि जितने भी बड़े उपजाऊ ज़मीन हैं जो ज़मींदारों के अंडर में हैं, उसे स्टेट अपने अंडर में ले लेगी और किसानों के पास बराबर बांट देगी। पर यह सिर्फ 3 स्टेट्स ने फॉलो किया, केरला, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर। केरला ने इसका बहुत ही अच्छे से पालन किया, इसका रिजल्ट यह है कि केरला बहुत ही शांति से आज भी चला आ रहा है। वेस्ट बंगाल में ज़मींदारों ने इस नियम को मैनिपुलेट करने का कोशिश किया। वहाँ के कुछ गांव वाले ये बात समझ गए और उनके अंदर बहुत ही हिंसा की भावना आ गई कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, और इसी वजह से वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी है, वहाँ से नक्सली हिंसा की शुरुआत हुई। हम कम्युनिज्म की थ्योरी को समझते हैं। कम्युनिज्म के तहत हमारे समाज में कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, सबके पास बराबर पैसा होगा, सबके पास बराबर अधिकार, समान हक होगा, किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। वाह, कितना शानदार थ्योरी है। और इसी थ्योरी के कुछ लोग फैन हो गए भारत में भी, और उन्होंने इस थ्योरी को भारत में लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म किया। इस सिंबल को आप में से कई लोग ने कहीं ना कहीं देखा होगा या फिर देखा सा लग रहा होगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही सिंबल है। अब इन्हीं में से कुछ लोग माओ से प्रभावित हो गए और उन्हें माओवादी कहा गया। उन्होंने खुद को पार्टी से अलग करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद स्थापित किया। अब ये माओवादी इनसे क्यों अलग थे, माओवादी बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से क्यों अलग थे? क्योंकि वो भी कम्युनिज्म को भारत में लाना चाहते थे, लेकिन शांति से नहीं, वो हथियारों के दम पर, हथियारों के बल पर लाना चाहते थे। जैसा कि हमने देखा, किसी भी स्टेट ने 5th और 9th शेड्यूल को फॉलो नहीं किया, उल्टा उन्होंने जंगलों का कमर्शियलाइजेशन कर दिया, उन्होंने ज़मीन को प्राइवेट कंपनीज को दे दिए, और जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल्स थे, उनका जंगलों में एक्सेस कम कर दिया और लिमिटेड कर दिया। अब आदिवासी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन जंगलों के बलबूते ही बिताते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने डेली लाइफ के लिए चिंतित हो गए, उनके अंदर उत्कंठा की भावना आ गई। और इसी फीलिंग और इमोशन का फ़ायदा उठाते हुए ये जो माओवादी थे वो और भी स्टेट्स में फैल गए। आज के डेट में यह समस्या
छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ऐसे ही कई जगह फैल गई है। शुरुआत तो माओवादियों की नेक इरादे से हुई, पर रास्ता उन्होंने गलत चुन लिया। मानता हूँ शुरुआत में सरकार ने कुछ गलतियाँ की और उन्होंने इन आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा, पर आज के डेट में भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं कि डेवलपमेंट, स्कूल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इन आदिवासियों तक के पहुंच सकें, पर फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों ये नक्सली क्यों नहीं चाहते कि उनका विकास हो? जवाब सिंपल है, क्योंकि अब इसने बहुत ही बड़े पॉलिटिक्स का रूप ले लिया है। अब इस पॉलिटिक्स में नेशनल, यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं। आप ध्यान देंगे कि मेजर नक्सली एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो स्टेट बॉर्डर्स पे होते हैं। इससे इल्लीगल एक्टिविटीज़ करना उनके लिए आसान हो जाता है। जब एक स्टेट की पुलिस उनको ढूंढ रही होती है तो वो दूसरे स्टेट में जाकर छुप जाते हैं। इससे इल्लीगल एक्टिविटी करना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब अगर ये नक्सली गरीब हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनके पास इतने महंगे हथियार, एक्सप्लोजिव्स खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? इनके फंडिंग के मेजर सोर्सेज को हम समझने के लिए चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इन एरियाज में कुछ बिजनेस होते हैं, तो वहाँ के बिजनेसमैन लोग इनको कमीशन देते हैं ताकि नक्सली उनको आराम से बिजनेस करने का मौका दें। साथ ही साथ नक्सली कई बार किडनैपिंग या एक्सटॉर्शन के केसेस भी करते हैं, जिससे उनको पैसे मिलते हैं। कुछ मेजर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इन नक्सलियों की फंडिंग करते हैं। और एक ऐसा भी सेक्शन है जो भारत के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे कुछ गवार लोग भी हैं जो इनके विचारधारा का समर्थन करते हैं और इनकी फंडिंग भी करते हैं। अब मैं उनको लेफ्ट या राइट का लेबल तो नहीं दूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं कि वो कौन हो सकते हैं। कई सारे वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे जो नक्सलियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो लोग नक्सलियों से सिंपैथी की भावना रखते हैं, मैं उनके सामने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स रखना चाहूँगा। उन लोगों को लगता है कि नक्सली डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि सरकार ने उनको इग्नोर किया, उनका उत्पीड़न किया। अगर ऐसा है तो वो स्कूल्स को क्यों जला देते हैं? वो सड़क निर्माण को में बाधा क्यों डालते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाने में, कम्युनिकेशन का लाइन बिछाने में क्यों बाधा डालते हैं? और जिन लोगों की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, कई बार उन्हीं को डरा धमका के क्यों रखते हैं? कई बार तो वो बेवजह उनको मार भी देते हैं। तो ऐसा क्यों है? जिनके पास भी ज़रा सा भी सोचने लायक अगर दिमाग है तो उनको समझ में आ जाएगा कि नक्सलियों का मोटिव क्या है। हमने इस समस्या को तो समझ लिया, लेकिन हम मॉडर्न बाबा में सिर्फ समस्या नहीं बताते, उसका समाधान भी देना चाहते हैं। तो इस समस्या से निपटने का आखिर क्या समाधान हो सकता है? हमें चार स्टेप्स एक साथ लेने होंगे। पहला स्टेप, चोकिंग ऑफ नक्सली फंड्स। जितने भी नक्सलियों की फंडिंग हो रही है उनको तुरंत रोकना चाहिए। दूसरा, अग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट नक्सली। जितने भी नक्सली है उनके खिलाफ एकदम आक्रामक रूप से मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा, सभी ट्राइबल्स से बातचीत करके उनको डेमोक्रेसी में शामिल करना चाहिए। इनकी समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी और आसानी से हो सकता है। सभी को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए कि भारत सरकार और भारत के लोग सभी का भला चाहते हैं। हम सब मिलकर उनकी भलाई का काम कर सकते हैं। नक्सली वो तो सिर्फ मोरे हैं, असली जड़ तो वो लोग हैं जो लोग दूर से ही बैठ कर इनका फंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हर किसी तक पहुंच सके। हो सके तो ट्राइबल्स तक भी यह वीडियो पहुंच सके और उनको पता चले कि उनका शोषण सरकार नहीं कर रही है बल्कि नक्सली लीडर्स कर रहे हैं, और वो इस वीडियो को देखकर सही दिशा में कदम आगे बढ़ा सकें। अगर आप भी कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करके बनाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे द फोटोहोलिक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।